बम बम भोले के जयकारे के साथ अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो गया है। राज्यपाल के सलाहकार के शर्मा ने जत्थे को रवाना किया और कल से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है जो कि 40 दिनों तक चलेगी। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने खुद कश्मीर जाकर सुरक्षा पर बैठक ली थी। आतंकी खतरे को देखते हुए यात्रा के दोनों रास्तों पर चप्पे चप्पे पर पहरा है और करीब 40,000 सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात किया गया है। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे कांग्रेस, वंदे मातरम बाबा बर्फानी के जयकारों के साथ और साथ ही साथ इंडियन आर्मी के लिए भी जयकारे वहां पर लगे। बाबा बर्फानी के दर्शन की शुरुआत हो चुकी है। पहले जत्थे को रवाना किया जा चुका है। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू से रवाना कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले ही राज्यपाल के सलाहकार के शर्मा ने झंडी दिखाई यात्री को और यात्रा जो है उसके पहली यात्रा जो रवाना हो गई है। जत्था जो है पहला जत्था रवाना हो गया है और आप देख सकते हैं कि पहली गाड़ी जो है कश्मीर के लिए निकलने वाली है। बोले पहले यात्री है, कैसा लग रहा है? मैं 9 साल से जा रहा हूँ और दूसरी बार हम पहली गाड़ी से पहली गाड़ी आप ही की। जी 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 जी, ये सौभाग्य है भोले बाबा का। कैसा लग रहा है? बहुत ही मजा आ रहा है जी। कोई डर तो नहीं भाई? तो किसी तरह का डर नहीं भाई साहब, किसी तरह। अभी तो नाम आपका? नाम मेरा नाम गौरव सोनी है, बोहर पंजाब से। मोदी यात्री हैं आप? पहले जिसको रवाना? यात्री है जी, पहले यात्री है। आप देख सकते हैं कि पहले यात्री से हमने एक्सक्लूसिव बात की है और कह रहे हैं कि पिछले कई सालों से लगातार वो अमरनाथ यात्रा के लिए जाते रहे और इस बार भी जा रहे और धीरे धीरे करके एक एक करके अब गाड़ियां जो है निकल रही है कश्मीर घाटी के लिए और यात्रा जो है उसको झंडी दिखा दी गई है और यात्रा अब शुरू ही हो गई है और पहला जत्था कश्मीर घाटी के लिए रवाना हो गया है और तकरीबन शाम तक ये कश्मीर घाटी पहुंच जाएंगे। दो मार्गों से यात्रा होती है, एक पहलगाम जो कि दक्षिण कश्मीर में है और दूसरा मार्ग जो है वो बालतल है जो कि केंद्रीय कश्मीर के गांधरबल जिले में है। तो आप देख सकते हैं कि अब एक एक करके जो है धीरे धीरे गाड़ियां निकल रही हैं बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए। आप देख सकते हैं कि यात्रियों में कितना उत्साह है। हम बात करते हैं कैसा उत्साह है यात्रा के लिए दिल्ली से। तो आप देख सकते हैं कि यात्रियों में काफी उत्साह है। बम बम भोले के जयकारों के साथ एक एक करके गाड़ियां जो है रवाना हो रही है कश्मीर घाटी के लिए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है और साथ ही में जो सुरक्षा बल है उन्होंने खास तौर पर रेडियो आइडेंटिफिकेशन टैग्स जो है वो लगाए गए हैं ताकि इन गाड़ियों की जो एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो पता लग सके। इसका पूरा जानकारी जो है कंट्रोल रूम में रहेगा। तो टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जा रहा है यात्रा की सफल आयोजन के लिए। तो यात्रियों में काफी उत्साह है। यात्रा रवाना कर दी गई है और शाम तक तकरीबन ये पहला जत्था कश्मीर घाटी तक पहुंच जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक। तो बाबा बर्फानी के जयकारों के साथ पहला जत्था रवाना हो गया। आतंकी खतरे को देखते हुए अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा काफी सख्त की गई है। जम्मू से ही सुरक्षा बलों की मुस्तैद नजर रहेगी। बाबा बर्फानी की जो यात्रा है आतंक के साए में हो रही है और इसी कारण से सरकार ने जो है विशेष प्रबंध किए हैं सुरक्षा के यात्रियों के लिए और तमाम ये जो पूरा जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है इस पर जो है तकरीबन कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि 40,000 जो है सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं राजमार्ग पर भी और यात्रा के दोनों रास्तों पर भी, बालतल से भी और पहलगाम से भी। इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सीआरपीएफ का बाइक स्क्वाड है, इसको भी एस्कॉर्ट की तरह यूज किया जाएगा जो कि बसों के साथ साथ चलेगा। इनके हेलमेट के ऊपर आप देख सकते हैं कि कैमरा फिट है तो किसी भी गतिविधि पर नजर बनाए रखी है और ये इनके पास जो है हथियार भी हैं ताकि कोई भी अगर आतंकी वारदात हो तो उसका डटकर ये मुकाबला कर सके। और साथ ही में यहाँ पर जो है अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ मेरे साथ चले और आपको तस्वीरें दिखाए कि ये जो बाइक स्क्वाड है इनका जिम्मा जो है न केवल सुरक्षा है क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा जो है प्राथमिकता है कि कोई आतंकी खतरा ना हो, साथ ही में अगर कोई रास्ते में कोई दुर्घटना होती है, कोई एक्सीडेंट होता है
तो यात्रियों के लिए तुरंत यहाँ स्ट्रेचर भी इसमें फिट किया गया है कि अगर किसी यात्री की तबीयत बिगड़ जाए या कोई दुर्घटना हो जाए तो जल्द से जल्द इस पर फिट किया जाए, इसको सीधा करके इस पर लेटाया जा सकता है यात्री को और उसको अस्पताल लिया जा सकता है और प्राथमिक उपचार यहीं पर उपलब्ध किया जाएगा। तो सरकार ने जो काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए हैं सुरक्षा के, जैसा कि मैं कह रहा था कि 40,000 से ज़्यादा जो है सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग और साथ ही में जो यात्रा के जो दोनों मार्ग हैं बालतल और पहलगाम, पहलगाम जो है दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में है, वहां से जो है पारंपरिक रास्ता है मार्ग है, दूसरा मार्ग है केंद्रीय कश्मीर के गांधरबल जिले से बालतल से और वहां से भी एक रास्ता है यात्रा के मार्ग का। यात्रा कल शुरू होगी लेकिन पहला जत्था जो है आज यहां से रवाना हो जाएगा। यात्रियों में तो काफ़ी उत्साह है लेकिन सरकार जो है काफ़ी गंभीरता से यात्रा को इस बार ले रही है क्योंकि सुरक्षा का विषय जो है बड़ी प्राथमिकता का मुद्दा है, तो कोई किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो तो सरकार ने जो है पुख्ता इंतजाम किए हैं। कुछ ही दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जम्मू कश्मीर आए थे, कश्मीर घाटी का उन्होंने दौरा किया और उन्होंने सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया और पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है और 40,000 से जो है ज़्यादा जो है सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर और साथ ही में यात्रा के दोनों मार्गों पर ड्रोन भी लगाए गए हैं किसी भी गतिविधि को देखने के लिए। तो पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के कोई कोताही नहीं बरती जा रही है, यात्रियों की सुरक्षा जो है उसको बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि आतंकी खतरा हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विशेष प्रबंध किए हैं, इंतजाम किए हैं यात्रियों की सुरक्षा के लिए और साथ ही में जो है जितने भी बसें हैं उनमें जो है एक खास तौर की रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगाया गया है ताकि यात्रियों की जो बस है कहाँ जाए कहाँ पहुँचे उसकी जानकारी जो है कंट्रोल रूम में पहुँचती रहेगी। तो काफ़ी टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है यात्रियों की सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम है और खुद गृह मंत्री अमित शाह गए थे वहां पर और सुरक्षा का जायजा लिया था जिसके बाद चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। तो बम बम भोले के जयकारे के साथ पहला जत्था रवाना हुआ। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।